मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हॉल में मीडिया से रूबरू होते हुए कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा कि इस बार नेटा द्वारा जेई मेंस और यूपी सीईटी पीएचडी छोड़कर सारे पाठ्यक्रमों का प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा देश के 61 शहरों में आयोजित की जाएगी तथा समय के अंदर रिजल्ट घोषित भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीटेक में लेटरल एंट्री के माध्यम से कुल सीटों का 10% निर्धारित किया गया है तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय में बी फार्मा पाठ्यक्रम का भी शुरुआत किया जा रहा है और विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे ने कहा, इस परीक्षा संचालित की जा रही है उसका आज से कल से शुभारंभ हो गया है और आज हम लोगों ने आपको ये बताने के लिए आमंत्रित किया है कि क्या क्या इसमें सेलियंट फीचर्स हैं। पहली बात क्या है कि विश्वविद्यालय जब से बना था तो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर पुराने लोग हैं, उन लोगों का प्रयास हमेशा रहा कि हमारे विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है प्रवेश परीक्षा वो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा रहे। कभी हम लोग बड़े सिस्टम के साथ जोड़ के चले तो उससे हमारे विश्वविद्यालय का एक्सपोजर थोड़ा अच्छा होता, तो उसका प्रयास अब जाके सफल हुआ है कि इस सत्र 21-22 से हम लोगों ने अपने सभी प्रवेश परीक्षा जितनी भी प्रवेश परीक्षा है केवल पीएचडी को छोड़ के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से संचालित करेंगे। उसमें बीटेक के जो छात्र हैं उनकी प्रवेश परीक्षा जेईई के माध्यम से एनटीए ही संचालित करेगा और बाकी जो कोर्सेज हैं हमारे विश्वविद्यालय के एकेडीयू के और एक कोर्स एचपीटीयू का है। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों से हुई, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए और अभी टेक्निकली आप माने तो दो विश्वविद्यालय ही जुड़े हुए पूरी तरह से, वो गोरखपुर MMUT और AKTU लखनऊ। AKTU के MTech के पाठ्यक्रम उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं NTA के साथ, बट हमारे विश्वविद्यालय का PhD को छोड़ के सारे पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 21-22 की NTA द्वारा संचालित की जाएगी। यह हमारे जो प्रवेश परीक्षा है वैसे जैसे सीटों के बारे में अभी कोऑर्डिनेटर साहब बता देंगे, 61 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जबकि पिछले वर्षों में जो हमारी जो प्रवेश परीक्षा संचालित होती थी उसमें हम लोग प्रदेश में केवल 13 सेंटरों पे परीक्षाएं कराते थे, तो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है अभी 61 सेंटरों पे होगी और इस 61 सेंटर के अलावा 20 ऐसे सेंटर हैं जो यूपी के बाहर हैं। कभी भी हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं कराई, ये पहली बार हो रहा है कि हम 20 केंद्रों पर जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं उन पर हमारे प्रवेश परीक्षा संचालित होगी। उनको देना पड़ता था और जो महिला छात्राएं हैं वो उनको 750 रुपये देते थे वो लोग, और जो रिजर्व कैटेगरी के भी थे उसमें 750। इस बार ये 1350, हम लोगों ने 200 रुपये फीस भी प्रवेश परीक्षा की कम करी है और इस माध्यम से ये प्रयास है कि विश्वविद्यालय का जो एक्सपोजर है राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो जितने कोर्सेज चलते हैं उसमें दो फेज़ में हो रही है। पहला फेज़ हमारा JEE के माध्यम से बीटेक के छात्रों का प्रवेश होगा, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो हमारे कोर्स हैं, और बाकी जितने कोर्स हैं बी फार्मा है, BBA है, MBA है, MCA है, MTech है, MSc है, बीटेक जो डिप्लोमा के माध्यम से और BSc के माध्यम से लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन होते हैं उनकी प्रवेश परीक्षा UPCET जो NTA संचालित करती है उसके माध्यम से होगा। जो बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन से JEE 4 फेज़ में NTA आयोजित कर रहा है, तो 4 फेज़ की 2 फेज़ की परीक्षा हो चुकी है, 2 फेज़ की आने वाले अप्रैल और मई के माह में होगी, और जो UPCET का एग्ज़ाम हो रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बाकी पाठ्यक्रमों के लिए है वो 18 मई को होगा, 18 मई को CBT मोड पे, और इसके लिए NTA ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करने के लिए कहा है अपने नोटिफिकेशन में। इससे छात्रों को फ़ायदा ये होगा कि उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश में जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्स हैं इंजीनियरिंग कोर्स हैं उसमें एडमिशन के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवेश की सुविधा उपलब्ध होगी और छात्रों की फ़ीस भी कम होगी। इस बार तो फीस भी हम लोगों ने जैसे पूर्व वर्षों में 1500 रुपये छात्र फीस देते थे इस बार 1300 रुपये वो देंगे एग्ज़ाम के लिए, और पहले इस विश्वविद्यालय की 13
परीक्षा केंद्रों पे परीक्षाएं होती थी, प्रवेश परीक्षा, जो इस एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराए जाने पर ये 61 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में, और 20 स्थान ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश के बाहर के अन्य राज्यों में होंगे, उनके माध्यम से ये प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी। पहली बार हो रहा है, पहले इससे पहले विश्वविद्यालय के कोई भी परीक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होती थी। एक देहरादून को हम लोग रखते थे, चूँकि कैंडिडेट ही बहुत कम होते थे इसलिए उनको हम लोगों को नहीं कंडक्ट कराने की स्थिति आई, और इस बार पहली बार हो रहा है कि हमारे जो अन्य प्रदेशों के भी छात्र हैं उत्तर प्रदेश के निवासी, वो इसका लाभ ले सकते। बीटेक में हमारे पास 1035 सीटें हैं, बीबीए की 60 सीटें हैं, बीटेक लेटरल में 90 सीटें हैं, एमसीए में 75 सीटें हैं, एमबीए में 75 सीटें हैं, एमटेक में सारी ब्रांचेस को मिला के 270 सीटें हैं, और बी फार्मा जो हमारा नया पाठ्यक्रम इस बार से शुरू हो रहा है उसमें 60 सीटें हैं। बी फार्मा के पाठ्यक्रम में ये बताना चाहते हैं कि ये पहला राजकीय विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बी फार्मा संचालित पहली बार हो रहा है। इससे पहले का सारे जितने भी संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में सब प्राइवेट सेक्टर से। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक वो आवेदन कर सकते हैं इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए।